अब तक हमने रूट्स के मॉर्फोलॉजी, उसके कई सारे रीजन्स और उसके जो रूट सिस्टम के बेसिक टू टाइप थे वो देखे। अब हम इस वीडियो में उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमें पता है रूट्स के कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि फिक्सेशन, एंकरेज, एब्सॉर्प्शन एंड कंडक्शन। तो इन सब फंक्शन को पूरा करने के बाद भी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ प्लांट जो रूट्स के कई कुछ स्ट्रक्चर होते हैं उनमें मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, जैसे कि एपिफाइटिक रूट्स, निमेटोफोर्स, पैरासाइटिक रूट्स एंड स्टोरेज रूट्स। तो पहले हम देखेंगे एपिफाइटिक रूट्स। तो एपिफाइट्स मीन्स क्या होता है? एपिफाइट्स आर द प्लांट्स विच कैन ग्रो ऑन द ब्रांचेस ऑफ अदर प्लांट, जो कि केवल सपोर्ट के लिए होता है, सपोर्टिंग के लिए अदर प्लांट पर ग्रो होते हैं। इनका एग्जांपल है ऑर्किड। तो इन ऑर्किड में यह हम देख रहे ऑर्किड जो एपिफाइटिक प्लांट है और उसका वह सपोर्टिंग प्लांट है। तो इन एपिफाइटिक प्लांट्स में वहाँ पर एक स्पेशल एक एरियल रूट्स की डेवलपमेंट होती है, उससे हम एपिफाइटिक रूट्स कहते हैं। रूट्स के द्वारा जो हवा में मॉइस्चर होता है और जो सपोर्टिंग प्लांट के बार्क में जो मॉइस्चर होता है उसे एब्जॉर्ब करके वो प्लांट ग्रो होते हैं। तो ये थे एपिफाइटिक रूट्स। अब हम देखेंगे निमेटोफोर्स। तो जनरली ये मैनग्रूव्स में पाए जाते हैं। मैनग्रूव्स आर द प्लांट्स विच आर ग्रो इन मार्शी, सलाइन और वाटर लॉग एरियाज। यहाँ पर हम उसके एक सिंपल सी डायग्राम बना रहे हैं। इन सब मार्शी एरियाज में जो सफिशियंट एयर होनी चाहिए सॉइल में वो अब्सेंट होती है, जिसके द्वारा प्लांट को एक एयर नहीं मिलता। तो इस कंडीशन में अंडरग्राउंड रूट से सॉइल सरफेस के अबव वर्टिकली कुछ रूट्स डेवलप होते हैं, उन्हें हम निमेटोफोर्स कहते हैं। और इन निमेटोफोर्स पर जो एयर पोर्स होते हैं उन्हें हम लेंटी सेल्स कहते हैं। तो इन निमेटोफोर्स के द्वारा प्लांट इजीली रेस्पायर कर सकता है, तो इसे हम रेस्पायरेटरी रूट्स भी कहते हैं, जो कि निगेटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं। अब नेक्स्ट है पैरासाइटिक रूट। तो पैरासाइटिक प्लांट्स मीन्स वॉट? द प्लांट्स विच आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन ए होस्ट प्लांट्स फॉर इट्स सर्वाइवल। जबकि हमने एपिफाइटिक प्लांट देखा था वो केवल सपोर्टिंग के लिए दूसरे प्लांट पर ग्रो होता है, किंतु पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो अपने पूरे सर्वाइवल के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंडेंट होता है। इसका एग्जांपल है कस्क्यूटा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कस्क्यूटा में लीव्स आर टोटली अब्सेंट होते हैं, तो वो इजीली फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसीलिए वो अपने होस्टेरिया डेवलप करता है और उस होस्टेरिया को होस्ट प्लांट में पेनिट्रेट करता है और होस्ट प्लांट से पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर अपना सर्वाइवल करता है। तो इसे हम पैरासाइटिक रूट कहते हैं। स्टोरेज रूट्स, जो कि मेनली डेवलप फॉर डिपोजिशन ऑफ स्टोरेज, फूड के डिपोजिशन के लिए इस प्रकार के रूट्स का मॉडिफिकेशन होता है और उनसे वो फ्लेशी और स्वोलन हो जाते हैं। इसमें तीन सब टाइप्स है, कॉनिकल रूट्स, फ्यूजीफॉर्म रूट्स एंड नेपीफॉर्म रूट्स। तो यहाँ पर हम जो कैरेट देख रहे हैं वो कॉनिकल रूट का एग्जांपल है। उसका जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है और उसका अपेक्स वो थोड़ा सा टेपरिंग होता है, तो उसे कोन शेप मिलता है, तो उसे हम कॉनिकल रूट कहते हैं। अब यहाँ हम फ्यूजीफॉर्म रूट देख रहे हैं, उसका एग्जांपल रेडिश। तो रेडिश में उसका जो मिडल पोर्शन होता है वो थोड़ा सोलन होता है और उसका बेस का और अपेक्स का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा टेपरिंग होता है। अब हम देख रहे हैं नेपीफॉर्म रूट, जिसका एग्जांपल बीट रूट। तो इस बीट रूट में जो बेस का पार्ट होता है वो पूरे का पूरा स्वेलन होता है, पूरा
स्पेरिकल होता है और उसका जो अपेक्स होता है वो शार्पली टैपरिंग होता है। तो ये सब थे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।